हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हार्मनी इन सोसाइटी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक आइडियल सोसाइटी कैसी हो, तो आइडियल सोसाइटी होने के लिए चार पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आप सोचेंगे ऐसा समाज हो जहां हमको प्रकृति से कोई भी डर ना हो, इट मींस वी आर लिविंग इन को एग्जिस्टेंस विद नेचर। आपने देखा ही होगा वर्ल्ड में जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं वो सब ऐसी जगह पे पनपी हैं वहाँ पे इजीली वाटर अवेलेबल हो एंड जो लैंड है डेट इज़ फर्टाइल। एग्जांपल है इजिप्ट की कंट्री, तो नाइल रिवर के किनारे ही पूरा बसावट है, पूरी सिविलाइजेशन बसी हुए। क्यों? क्योंकि नेचर से कोएग्जिस्टेंस है। ऐसी जगह हम नहीं रह पाएंगे जहाँ हम नेचर से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। दूसरा, हम ऐसे समाज में रहना चाहेंगे जहाँ कोई भी डर ना हो, फियरलेसनेस इन द सोसाइटी, लोगों में कोई डर ना हो। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि जो मिडल ईस्ट है या फिर अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ प्रॉब्लम है तो लोग रिफ्यूजी बन के जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो हम हमेशा ऐसा समाज देखते हैं जहाँ क्या हो, फियरलेसनेस हो, कोई डर ना हो। अब आप मुझको बताइए ये जो दो रिक्वायरमेंट है किसी भी समाज की, को एग्जिस्टेंस विद नेचर एंड फियरलेस इन द सोसाइटी, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? तो अगर हम सोचेंगे ध्यान से तो इन सब के लिए रिक्वायर्ड है सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी इंडिविजुअल। अगर लोगों में समझ नहीं है और वो नेचर के साथ अपने संबंध को नहीं देख पा रहे हैं तो वो क्या करेंगे? तो वो नेचर पे मास्टरी करेंगे, नेचर का शोषण करेंगे। जब नेचर का एक्सप्लॉयटेशन होगा तो क्या होगा? पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन, जैसा कि हम कर रहे हैं, और उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो हम पर ही पड़ेगा। इन द एंड होल सोसाइटी सफ़र करेगी। दूसरा, अगर लोगों में सही समझ नहीं है एंड साथ में प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, यानी हर परिवार संपन्न नहीं है, तो समाज में टेररिज्म, चोरी डकैती, क्राइम्स कभी भी नहीं ख़त्म होंगे। अगर समाज में एक ऐसा समाज जिसमें सभी व्यक्ति के पास उसकी ज़रूरत के अनुसार फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं तो ऐसे समाज में क्राइम तो होगा ही नहीं, साथ में सुविधाएं हैं और लोगों में सही समझ भी है, यानी लोगों में संबंध का ज्ञान भी है, लोग फीलिंग से मिलने वाले सुख को पहचान पा रहे हैं, लोग संबंध और सुविधा के बीच में कंपैरिजन कर पा रहे हैं कि एज ए ह्यूमन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा है तभी उस समाज में फियरलेसनेस अचीव हो पाएगी। तो समाज में फियरलेसनेस हो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? लोगों में सही समझ, लोग संबंध के भाव को समझ पाए, और साथ में क्या रिक्वायर्ड है? प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली। अब प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली कैसे अचीव होगा? तो वो ऐसे अचीव होगा जब अगेन लोगों में सही समझ है। अगर सही समझ नहीं है तो अमीर बहुत अमीर होकर भी सुखी नहीं है, और जो गरीब है वो हमेशा क्राइम में लिप्त रहेगा, और अगर उसको कोई सुविधा मिलती भी है तो उसका सदुपयोग नहीं करेगा। तो प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली के लिए क्या रिक्वायर्ड है? लोगों में सही समझ हो, ताकि लोग संसाधनों का आपस में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें और सुखी रह सकें। तो ये इस सही समझ के अभाव में क्या होता जा रहा है हमारे समाज में, आप देख रहे हो अमीर और गरीब की खाई बनती जा रही है। एक बार एंड में पूरा कंक्लूड करते हैं अगर ह्यूमन टारगेट को, तो किसी भी समाज में जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो ये है कि लोगों में इन एवरी इंडिविजुअल क्या हो, सही समझ हो, सही भाव हो, लोगों में संबंध का भाव हो हर व्यक्ति के लिए, लोगों में समझ हो कि मुझे जीवन को जीने के लिए प्रकृति के साथ सहस्तित्व का निर्माण करना है, और बाकी लोगों के साथ संबंध पूर्वक रहते हुए कैसे समाज में सुखपूर्वक जो ह्यूमन टारगेट है उसको अचीव करना है। तो सही समझ एक बेस है एक आइडियल सोसाइटी के लिए। तो जो किसी भी सोसाइटी के लिए जो टारगेट होना चाहिए वो इन चार फैक्टर्स को अचीव करना होना चाहिए। अगर हम ये चार फैक्टर को अचीव कर सकते हैं तो उस सोसाइटी में सभी जो व्यक्ति हैं वो कंटिन्यूसली हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर सकते हैं, जिसके लिए हर एक व्यक्ति भाग रहा है। हम सब निरंतर सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं। सो कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी कब अचीव होगी? तब अचीव होगी जब हम एज ए सोसाइटी इन चार गोलों को अचीव करने के लिए प्रयास करें। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।